स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ना है अपना चैप्टर 2 का, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल का पार्ट 3। ठीक है, अभी हमने पहले कुछ इक्वेशंस देखी, सिंपल इक्वेशंस, कि हम कैसे सोल्व कर सकते हैं एंड वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम एक्स की या वाई की। ठीक है, अननोन वेरिएबल्स जो भी होते हैं हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब इस एक्सरसाइज में, विच इज अवर एक्सरसाइज 2, और उसका पार्ट 1 हम पढ़ेंगे। ठीक है, हमने इसमें फर्दर कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्वेश्चंस एंड आंसर्स हम देखेंगे। और इस एक्सरसाइज में जो हमारे क्वेश्चन आंसर रहेंगे वो सारे हमारी स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स हैं, हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। आपने पहले इक्वेशंस को सोल्व करके, ठीक है, पहले स्टेटमेंट्स को सोल्व करके इक्वेशंस बनानी है, देन इक्वेशंस को सोल्व करके आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो लेट अस सी कि हम कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। अब बिकॉज रिक्वायरमेंट ये रहेगी कि सबसे पहले मैं स्टेटमेंट को समझूं। ठीक है, अगर मुझे स्टेटमेंट ही समझ नहीं आई तो फिर मेरी इक्वेशन डेफिनेटली गलत हो जाएगी और फिर सॉल्यूशन तो सही आने का कोई मतलब ही नहीं है। तो सबसे पहले हमें इक्वेशन को समझना है कि क्या दिया हुआ है स्टेटमेंट में। इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 ओके फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 अगेन, यू गेट 1/8। तो क्या कभी मैथ्स रिडल आपने अगर यूज की हुई हो या आपने सोल्व की हुई हो तो दिस इज दैट टाइप ऑफ प्रॉब्लम। नाउ व्हाट इज द नंबर, क्या बोल रहा है, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर तो आई कैन से लेट द नंबर इज एक्स। ठीक है, बिकॉज हमें दिया हुआ है स्टेटमेंट इस तरह से, तो आई विल से लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स। ओके, हमने मान लिया कि नंबर हमारा एक्स है, आपको बोला है ना इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, तो मैंने बोल दिया कि लेट अस से द नंबर इज एक्स। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट इज गिवन टू मी, इफ आई सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर तो मुझे क्या मिलेगा, आई हैव एक्स माइनस 1/2। अगर मैंने 1/2 सब्ट्रैक्ट किया नंबर में से, मेरे पास आ गया एक्स माइनस 1/2। नाउ दे आर सेइंग मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, ये मेरा रिजल्ट है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2। ठीक है, यू गेट 1/8, तो मेरे पास आ जाएगा इक्वल टू में 1/8। तो इस तरह से पहले आपको इक्वेशन सोल्व करनी है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, यू गेट 1/8। नाउ व्हाट इज द नंबर, अब ये इक्वेशन है मेरे सामने, आपने इसको सोल्व करना है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। वेरीफाई भी हम कर सकते हैं बाद में, लेट अस सी। सबसे पहले ये 1/2 यहां पर है मल्टीप्लीकेशन में, और आई कैन से कि 1/2 मेरा यहाँ पे, मैं इसको यहाँ पे ऐसे 2 भी लिख सकता हूँ नीचे। अब सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये जो 2 है अगर राइट हैंड साइड पर जाएगा ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू दिस 1/2, इट गोज टू द राइट हैंड साइड, ये हो गया 2/8। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1/4, एक्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/4। अब कुछ स्टूडेंट्स इसको ऐसे भी कर सकते हैं, दे विल से सर 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज अनदर वे, आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब एक्स की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट्स, वैल्यू ऑफ एक्स इज 1/4 प्लस दिस 2 गोज टू द राइट हैंड साइड 1/2। देखिए 1/2 यहां पर माइनस में है, आप इसको राइट साइड पर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस, तो एक्स की वैल्यू आ गई 1/4 प्लस 1/2। ठीक है, अब आपने इसको सोल्व करना है, तो एक्स इज इक्वल टू 1/4। अब अगर आप डिनोमिनेटर सेम करके करना चाहते हैं तो क्या बोलेंगे, इसको भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया 2/4। ठीक है, देखो बेटा ये 1/2 है ना, तो मैंने क्या बोला 1/2, न्यूमिनेटर भी 2 से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर भी 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया 2/4। बिकॉज इसका डिनोमिनेटर 4 है तो मैंने इसका डिनोमिनेटर 4 करने के लिए काम किया,
तो मेरे पास आ गया 1/4 प्लस 2/4। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? 2 + 1 इज 3 एंड दिस इज 4। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? 3/4, यानी के जो मेरा नंबर है, ठीक है, एक बार इसको नोट कर लीजिए पॉज करके, जो मेरा नंबर है वो क्या है मेरा? 3/4। अब हम एक बार वेरीफाई भी करके देख लेते हैं। अभी आप एंड में ऐसे रिजल्ट लिख सकते हैं, ओके? तो नंबर इज, जो हमें नंबर क्वेश्चन में पूछा था वो मेरा 3/4 है। मान लीजिए आपने एग्जाम में इसको सोल्व कर लिया, अब आप वेरीफाई करके देखना चाहते हैं कि क्या ये सही है, तो मैं आपको वेरीफाई करके दिखाता हूं। देखिए नंबर आ गया मेरे पास 3/4। तो हमें क्या बोला था? अगर मैं 3/4 में से हाफ सब्ट्रैक्ट कर दूं और उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए? 1/8। तो आप चेक करके देखिए कि अगर 1/8 नहीं आ रहा है तो हमारा गलत है, ठीक है? तो देखिए 3/4 - 1/2, इसको सपोज आप फिर से डिनोमिनेटर सोल्व करके सेम करके कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज 2/4, ठीक है, इनटू 1/2। 3 - 2 कितना होता है स्टूडेंट्स? 1। दिस इज 1/4 इनटू 1/2, तो हमारा आंसर आ गया 1/8। तो ऐसे हम इसको सोल्व करना था, नंबर लेकर सोल्व किया हमने इक्वेशन, फिर हमने आंसर वेरीफाई भी कर लिया। तो दिस इज अवर वेरिफिकेशन। ये एग्जाम में अगर आपको टीचर बोले तब आपको करनी है, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड। आप अपने चेक के लिए कर सकते हैं। सपोज मेरा कुछ आंसर आया, मुझे चेक करना है कि वो आंसर सही है नहीं है, तो ये हम वेरीफाई करके देख सकते हैं ऐसे, ठीक है? तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम थी। नाउ लेट अस सी अवर सेकंड प्रॉब्लम। फिर से ध्यान से पढ़िए प्रॉब्लम को पहले। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर एंड इट्स लेंथ इज 2 मीटर, 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। व्हाट आर द लेंथ एंड द ब्रेथ? व्हाट आर द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द पूल? अब पहली चीज तो आपको पता होगा, 7th क्लास में भी आपने पढ़ा है, लोअर क्लास में भी पढ़ लेते हैं पेरीमीटर वगैरह, तो पेरीमीटर एंड एरिया, तो पेरीमीटर आपको पता होगा, ठीक है? रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम राइटिंग द पेरीमीटर। अगर आपको नहीं याद है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है स्टूडेंट्स? ट्वाइस ऑफ L+B। अभी हमारा चैप्टर का पार्ट नहीं है, अदरवाइज आई वुड हैव एक्सप्लेन कि कैसे आया है, बट अभी हमारा चैप्टर का पार्ट नहीं है, आप इसको याद कर लीजिए। वेयर एल इज लेंथ एंड बी इज ब्रेथ, ठीक है? तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 × L+B। अब आपको क्या बोला गया है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 एंड साथ में क्या दिया? लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो हम क्या लेंगे इसमें? आई विल से लेट द ब्रेथ इज इक्वल टू एक्स, ठीक है? हमने बोल दिया लेट द ब्रेथ इज इक्वल टू एक्स। तो लेंथ कितनी हो गई? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट इज माई लेंथ? क्या बोला गया? लेंथ इज 2 मीटर मोर देन, किससे 2 मीटर मोर? ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो लेंथ हो गई स्टूडेंट्स 2x+2, ओके? लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। यही चीज आपको बस ध्यान से लिखनी है, समझनी है, ठीक है? अब आपको फॉर्मूला पता है, पेरीमीटर भी पता है, यहां पर हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है वो 154 मीटर, आपको निकालना है लेंथ एंड ब्रेथ। हो गया हमारा क्वेश्चन। आप क्या करेंगे? क्वेश्चन में एल की जगह आप डाल देंगे ये वाली वैल्यू विच इज 2x+2 एंड इन प्लेस ऑफ ब्रेथ क्या पुट कर देंगे? मैंने डाल दिया एक्स 154, ठीक है? 2x+2 + x लेंथ + ब्रेथ इज इक्वल टू 154।
अब आपने इस टू को अंदर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम इसको डिवाइड में ले जाएंगे, दैट विल बी इजियर। 2x प्लस एक्स, 3x प्लस 2, ये जो 2 है मेरा चला गया डिवीजन में, ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास 77। ओके स्टूडेंट्स, तो आप बोलेंगे कि 3x इज इक्वल टू 77 माइनस 2, 2 गया राइट हैंड साइड पर। अभी आपको बेसिक अगर नहीं क्लियर है तो पहले कुछ क्वेश्चंस बेसिक प्रैक्टिस करिए जो मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में करवाया है। तो 3x की वैल्यू कितनी आ गई, आई कैन से 3x इज इक्वल टू 75। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, 75 डिवाइडेड बाय 3, ये सब ऑपरेशंस हम पढ़ चुके हैं, तो x की वैल्यू आ गई 25। ओके, एंड व्हाट इज x, हमने क्वेश्चन में मान के चले थे कि x की वैल्यू है 25 जो मेरी आई है, तो आई कैन से ब्रेथ इज 25 मीटर, तो आई विल से ब्रेथ इज 25 मीटर। एंड व्हाट इज लेंथ बेटा बताइए, 2 × 25 विच इज 50 प्लस 2, 52, तो लेंथ आ गई हमारी 2 × 25। एक्स की जगह पर मैंने पुट कर दिया 25, तो ये मेरी लेंथ आ गई 52 मीटर। आप फिर से अगर चाहें तो वेरीफाई करके देख सकते हैं, 2 × L+B, इन दोनों को ऐड करेंगे है ना, क्या आ रहा है इन दोनों को ऐड करके 77। 77 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली विल गेट 154। वेरिफिकेशन पार्ट इज नॉट रिक्वायर्ड, अगर आपको एग्जाम में टीचर बोलते हैं आप अपने लिए वेरीफाई करके देखना चाहते हैं तो जो भी आपके पास फार्मूला है उसमें आप वापिस से पुट करके देखिए जो आपकी वैल्यूज आई है, ठीक है, यू विल कम टू नो कि हाँ हमारा आंसर सही आ रहा है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किया है, आपको फ्रेम करना आना चाहिए प्रॉब्लम को पढ़ के, इक्वेशन क्या बन रही है देन उसको सोल्व करना है। तो लेट अस सी अवर थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। अब यहां पर हमें एक ट्राइंगल दी गई है, आइसोसेलीस ट्राइंगल, द बेस ऑफ एन आइसोसेलीस ट्राइंगल इज 4/3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लेट अस एज्यूम दैट ये हमारा एक आइसोसेलीस ट्राइंगल है, क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे अभी। सपोज दिस इज अवर ट्राइंगल, अब इसमें आपको स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है कि बेस ऑफ द ट्राइंगल इज 4/3 सेंटीमीटर, तो मैंने बोल दिया कि जो इसका बेस है वो है मेरा 4/3 सेंटीमीटर। आइसोसेलीस ट्राइंगल सबको पता है, आइसोसेलीस ट्राइंगल होती है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है, ठीक है, तो दिस इज ए बी एंड सी, तो मैं कह सकता हूं कि ए बी इज इक्वल टू ए सी। आप ऐसे मान लीजिए इस ट्राइंगल में द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज गिवन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स, जो दो साइड मेरी इक्वल हैं आप उनको मान लीजिए एक्स एंड एक्स। मैंने बोल दिया कि ए बी और ए सी की वैल्यू एक्स के इक्वल है, बी सी की वैल्यू आप कह सकते हैं कि 4/3 है, ठीक है, ये दिया हुआ है यहाँ पर, पेरीमीटर आपको पता है। अब किसी ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है बताइए बेटा, पेरीमीटर इज ऑलवेज सम ऑफ साइड्स है ना, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। किसी भी फिगर में अगर आपको पेरीमीटर निकालना है तो आप सारी साइड्स की लेंथ को सम कर देंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, 4:2/15, ओके, तो पेरीमीटर मैंने लिख दिया 4:2/15 इज इक्वल टू, ये भी एक्स ये भी एक्स ये 4/3, तो यहां लिख देते हैं x प्लस 4/3, जो मुझे दिया हुआ था वो मैंने डाल दिया, और ये जो लेंथ मैंने लेट की है एक्स, और फिर मेरा बेस मुझे दिया हुआ है।
अब ये कितना बन जाएगा बेटा, ये मिक्स फ्रैक्शन है, 415 फॉर 60, 60 प्लस 2 62 डिवाइडेड बाय 15। अब आप क्या करिए, 4/3 को मैं इधर ला रहा हूं, सपोज व्हाट इज एक्स प्लस एक्स, दैट इज 2x। ठीक है, अब अगर आप जैसे मैंने आपको पहले बताया है, अगर आप इसको डिनोमिनेटर सेम करके करना चाहते हैं तो वैसे कर लीजिए। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करेंगे, आपको इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना है और न्यूमिनेटर को भी। तो ये आ गया मेरे पास 20/15। फर्दर डिनोमिनेटर अब सेम है, मैं इसको सब्ट्रैक्ट करके लिख सकता हूं, दिस इज 42 बाय 15, किसके इक्वल आ गया, 2x के इक्वल। अब आपने सिर्फ इसको सोल्व करना है, 2 मेरे पास मल्टीप्लिकेशन में, वो डिनोमिनेटर में आएगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। आप इसको ऐसे लिख लीजिए, x यानी कि 2x इज इक्वल टू 42 डिवाइडेड बाय 15, 2x इज इक्वल टू 42 अपॉन में 15, सेम इक्वेशन को मैंने लिखा है। तो 2x की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी आ गई, 42 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 2। ठीक है, यहां से ये 2 हटा दीजिए और ये जो हमारा 2 था वो चला गया नीचे इसके। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x नाउ, आपने क्या करना है, कैंसल, ये 21 आ गया। अब इसको फर्दर कैंसिल कर दिए, 3 7s एंड 3 5s, तो ये आ गया मेरा 7/5। इट मींस जो मेरी दो इक्वल साइड्स थी उनकी लेंथ कितनी आ गई, ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू 7/5 सेंटीमीटर, ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू 7/5 सेंटीमीटर। आप पढ़ते हुए ऐसा कर सकते हैं कि आपने वीडियो देखा, क्वेश्चन आपको समझ आ गया, देन आप उसको फिर से करके देखिए अपने आप, वीडियो को पॉज करके बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो ये हमारा था थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट लेट अस सी अवर फोर्थ क्वेश्चन। सम ऑफ टू नंबर्स इज 95 इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15। ठीक है, फाइंड द नंबर्स। आपको यहां पर दो नंबर दिए हुए हैं जिनका सम कितना है 95, तो हम क्या करेंगे, कंडीशन दूसरी दी हुई है वो अभी हम बात करते हैं उसके बारे में। लेट फर्स्ट नंबर या लेट वन नंबर इज इक्वल टू, इसको वन नंबर लिख देते हैं बिकॉज टू नंबर हमें बोला है, लेट वन नंबर जो हमारा फर्स्ट नंबर है, लेट वन नंबर इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 95 ऐसा बोला गया हमें। ठीक है, तो सेकंड नंबर मेरा कितना होगा, ओके या अनदर नंबर, आई कैन से दैट इज इक्वल टू 95 माइनस x। बेटा दोनों का सम 95 है, अगर मैंने फर्स्ट नंबर को या पहले नंबर को मैंने x ले लिया तो दूसरे नंबर को आई कैन टेक एज 95 माइनस x। अब इन दोनों को ऐड करके देखिए, x से x कैंसिल हो गया, सम क्या दिया हुआ है 95, तो ये कंडीशन मेरी वैसे ही फुलफिल हो रही है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 95। अब स्टेटमेंट नेक्स्ट, इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, इसका मतलब क्या है, वन एक्सीड्स द अदर बाय 15। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं ये बोल सकता हूं कि 50 एक्सीड्स 35 बाय 15। ठीक है, 50 35 से कितना बड़ा है, 15, दोनों में 15 का डिफरेंस है, तो ये क्या कह रहे हैं कि वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, कि यानी कि एक नंबर दूसरे से कितना बड़ा है, 15। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं बिकॉज हमें ये पता नहीं है कि दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है, तो मैं कह सकता हूं
कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे ये दिया हुआ है 95 माइनस एक्स इज इक्वल टू 15। हमने मान लिया कि लेट अस से दिस नंबर इज बिगर या ग्रेटर, तो ये नंबर मेरा छोटा है, ये स्मॉलर है, तो मैंने बोल दिया बड़े में से छोटा माइनस करके मैंने बोल दिया कि 15 के इक्वल है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको नंबर्स निकालने हैं। तो ये स्टूडेंट्स कितना हो गया, 95 माइनस 2x इज इक्वल टू 15। ओके, ये आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, 95 माइनस 15 इज इक्वल टू 2x। ठीक है, 15 को हम इधर ले आए, नेगेटिव हो गया, 2x को मैं राइट साइड पर ले गया पॉजिटिव। नाउ इफ आई सब्ट्रैक्ट दिस, ये आ गया 80 इज इक्वल टू 2x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 80 डिवाइडेड बाय 2 एंड दैट इज इक्वल टू 40। यानी कि मेरा पहला नंबर जो हमने लेट किया था, आई कैन राइट माय आंसर, आई विल से वन नंबर इज इक्वल टू कितना है, वो है 40 के इक्वल। एंड सेकंड नंबर कितना है, कितना था वो, 95 माइनस 40, तो दैट इज इक्वल टू 55। और दोनों का डिफरेंस भी आपको पता है 15 के इक्वल है। ठीक है, तो अगर ये एक एमसीक्यू होता तो आप इसमें अपने आप गेस करके आंसर भी लिख सकते हैं, बट अदरवाइज दिस इज द वे जिसमें अगर आपको कभी भी सम दिया हो तो आप ऐसे लेट कर सकते हैं, जो भी सम दिया होगा सेकेंड नंबर विल बी सम माइनस फर्स्ट नंबर। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन था, इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन।